हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम पढ़ रहे थे माइट माइट के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि पार्ट है मॉडल्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। मॉडल्स जो हम माइट पढ़ रहे थे, उसी का एक कॉन्टिन्यूड पार्ट है। ये है पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या पढ़ रहे थे। माइट, MIGHT। तो माइट आपको मैंने बताया था जो कि प्रोबेबिलिटी को शो करता है, किसकी, प्रेजेंट की या फिर फ्यूचर की। बट होता ही किस में है, पास्ट टेंस में बात की गई होती है। ठीक है, तो पास्ट टेंस में हमने इसको देखा था कि ये पर्पस को कैसे एक्सप्रेस करता है, या फिर रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है ये। और आज क्या देखेंगे हम, पॉसिबिलिटी या फिर परमिशन की बात करेंगे, या फिर कोई अदर जैसे सजेशन, रिक्वेस्ट, क्रिटिसिज्म, कैजुअल कमांड, इन सब में माइट को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे माइट एक्सप्रेस करता है अपने आप को, वो देखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं दो तरीके से एक्सप्रेस करना हमने देख लिया था, अभी क्या देखेंगे। यहाँ पर डालते हैं सी, एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी। पहले किसकी बात की गई थी इससे प्रीवियस वीडियो में, फ्यूचर पॉसिबिलिटी की। अभी क्या बात कर रहे हैं हम, एक नॉर्मल मतलब प्रेजेंट की, इतनी ज़्यादा फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे या फिर परमिशन की बात करेंगे। किसने, इन पास्ट टेंस में ही। ठीक है, कि माइट को पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, बट वो पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं कि क्या कहता है। फर्स्ट सेंटेंस, द कैप्टन सेड दैट वी माइट प्ले अ मैच। तो क्या कह रहा है, द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा दैट कि वी माइट प्ले अ मैच, हम मैच खेल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कैप्टन ने कहा, मतलब कैप्टन ने पास्ट में कहा कि, लेकिन किसके लिए, बाद के लिए। तो ऐसे ही सेकंड सेंटेंस लिखते हैं इसमें, तो ये क्या शो कर रहा है, पहले आप ये देखेंगे तो ये शो कर रहा है परमिशन को। सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं, द टीचर सेड दैट आई माइट विन आई माइट विन अ स्कॉलरशिप। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, द टीचर से, कि जी टीचर ने कहा दैट कि आई माइट विन अ स्कॉलरशिप, कि मैं स्कॉलरशिप जीत सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें किसकी बात की गई है, टीचर ने कहा, कब कहा, पास्ट में, मतलब टीचर ने बात कह दी, आई माइट विन अ स्कॉलरशिप, कि मैं स्कॉलरशिप जीत सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो क्या है, पॉसिबिलिटी, कि पॉसिबिलिटी है स्कॉलरशिप जीतने की। ठीक है, ऐसे ही थर्ड एग्जांपल देखें अगर, द टॉर्टॉइस सेड दैट ही माइट डिफीट द हेयर, हेयर मतलब होता है रैपिड। तो ये कह रहा है द टॉर्टॉइस सेड दैट, टॉर्टॉइस क्या होता है,
कछुआ, तो ये कह रहे कछुए ने कहा दैट कि ही माइट डिफीट द हेयर, वह खरगोश को हरा सकता है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे हरा सकता है, हराया नहीं है, हरा सकता है, तो ये किसकी बात हो गई, पॉसिबिलिटी की बात हो गई। तो इसमें हमने क्या देखा, पॉसिबिलिटी और परमिशन को देखा, ठीक है। अभी देखते हैं इसका डी वाला फॉर्म क्या कहता है, अदर यूजेस ऑफ माइट, जैसे कि एक्सप्रेसेस, रिक्वेस्ट, क्रिटिसिज्म, सजेशन, या फिर कैजुअल कमांड। इन द पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में क्या क्या रिक्वेस्ट, क्रिटिसिज्म, सजेशन, कैजुअल कमांड कैसे शो करता है कि इसको देख लेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखती हूँ मैं यहाँ पर, माइट आई हैव a word with you, तो क्या कह रहे हैं, might I have a word with you, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। तो ये क्या बता रहे हैं, criticism, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लिखते हैं सेकंड एग्जांपल, यू माइट ट्राई आस्किंग हिम फॉर सम हेल्प। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, कैसे अभी आपको बताते हैं कि ये सेंटेंस कह रहा है यू माई ट्राई आस्किंग हिम फॉर सम हेल्प, आप उससे कुछ हेल्प मांगने का ट्राई कर सकते हैं। तो हेल्प मांगने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है, यू माई ट्राई आस्किंग हिम, तो ये क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, सजेशन दे रहा है। तो अगर थर्ड एग्जांपल लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, थर्ड है, इफ़ यू आर गोइंग टू द मार्केट, क्या कह रहा है, इफ़ यू आर गोइंग टू द मार्केट यू माइट ब्रिंग मी अ टी शर्ट। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, इफ़ यू गोइंग टू द मार्केट, अगर तुम बाज़ार जा रहे हो तो यू माइट ब्रिंग मी अ टी शर्ट, तो आप मेरे लिए एक टी शर्ट ला सकते हैं, ला सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर तुम मार्केट जा रहे हो तो मेरे लिए एक टी शर्ट ला सकते हो। एंड फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, यू माइट स्पीक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, यू माइट स्पीक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट, आप इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, कैजुअल कमांड दी जा रही है, कैजुअल कमांड दी जा रही है इस सेंटेंस में। तो हमने क्या देखा, माइट किस किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले देखा था कि एक्सप्रेस कैसे करता है, पॉसिबिलिटी और परमिशन को, किसको, पॉसिबिलिटी और परमिशन को। इसके कुछ सेंटेंस देखे, उसके बाद देखा कि रिक्वेस्ट के लिए कैसे यूज़ किया जा रहा है, वो यहाँ पर है कि अगर तुम मार्केट जा रहे हो तो मेरे लिए एक टी शर्ट ले आना,
क्रिटिसिज्म के लिए ये रहा, ऐसे ही फिर क्या था सजेशन, सजेशन के लिए हो रहा है कि तुम उसे कुछ हेल्प मांगने की ट्राई कर सकते हो, फिर क्या हो रहा है कैजुअल कमांड दी जा रही है कि तुम इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, माइंड को अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस किया जाता है। सबसे पहले ये परमिशन, पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट को भी एक्सप्रेस करता है, कमांड को भी, कैजुअल कमांड, और क्या सजेशन। तो इन सभी चीज़ों को माइट एक्सप्रेस करता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चीज़ें हैं। तो हमारा यहाँ पर होता है माइट वाला टॉपिक भी कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।